हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A14 5G स्मार्टफोन के बारे में, और इसके लिए आपको इंडिया में कब तक वन UI 7.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15 का जो अपडेट है वो देखने को मिलेगा, और क्या आप लोगों को बीटा अपडेट है वो देखने को मिल सकता है या फिर नहीं, और कौन कौन से नए फीचर्स है वो इस नए अपडेट के अंदर आपको मिलेंगे। कंप्लीट इस वीडियो को वॉच करते रहिए। वीडियो आपको ये पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, और जैसे ही अपडेट है वो इंडिया में रिलीज होगा या फिर और अदर इंफॉर्मेशन आएगी तो वीडियो आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले मिल जाएगी, तो सब्सक्राइब कर लेना, या फिर आप लोग सैमसंग का टेलीग्राम चैनल और ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सैमसंग की तरफ से ऑलरेडी वन UI 7 अपडेट की टेस्टिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है काफी पहले, और जो सैमसंग का S24 सीरीज का स्मार्टफोन है उसके लिए तो आप लोगों को अपडेट है वो काफी जल्दी देखने को मिलने वाला है। लेकिन हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं A14 5G स्मार्टफोन के बारे में, तो इसके लिए भी गाइस आपको इंडिया में 110% अपडेट है वो देखने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि A14 5G स्मार्टफोन है वो सैमसंग का एक बजट स्मार्टफोन है, और इसके लिए अपडेट आने में थोड़ा बहुत टाइम तो यहाँ पर लगेगा ही। और खैर, बात रही बीटा अपडेट की, तो बीटा अपडेट सैमसंग के A14 5G स्मार्टफोन के लिए आपको नहीं मिलेगा क्योंकि जो प्रोसेसर है ना वो इतना ज्यादा कैपेबल नहीं है कि बीटा अपडेट के जो बग्स है ना उनको यहाँ पर झेल सके। बाकी ऑफिशियल अपडेट है वो आपको इंडिया में जरूर से देखने को मिल जाएगा। बात करें कब तक अपडेट है वो यहाँ पर इंडिया में आपको मिल सकता है, तो उसके लिए गाइस आपको जनवरी मंथ का वेट करना है। लगभग सैमसंग के जितने भी जो फ्लेक्सिव स्मार्टफोन है उनके लिए इसी 2024 इन ईयर के एंड में जो अपडेट्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, और सैमसंग के जो बजट और मिड रेंज स्मार्टफोन है उनके लिए Q1 के अंदर अपडेट है वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। Q1 से मेरा मतलब है जनवरी फरवरी मार्च 2025 ईयर की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इसका आपको वेट कर लेना है। जनवरी मंथ के अंदर आपको अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा। साथ ही में बात करें कुछ नए फीचर्स के बारे में इसी वन UI 7.0 अपडेट के बारे में, तो आपको नया ऐप ड्रॉवर है वो देखने को मिलेगा। अभी सैमसंग के स्मार्टफोन के अंदर आप लोग लेफ्ट और राइट साइड में स्वाइप करके बाकी की एप्लीकेशन है उनको एक्सेस कर सकते हो क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल ऐप ड्रॉवर है, तो आपको जल्दी ही एक नया अपडेट मिलेगा और उसके अंदर आपको वर्टिकल ऐप ड्रॉवर मिलेगा जहां पर आप लोग अप और डाउन में स्वाइप करके जितने भी जो एप्लीकेशन है उनको यहां पर एक्सेस कर पाओगे। और ऐसा ऐप ड्रॉवर आपने देखा होगा Xiaomi, Realme, Poco और OnePlus के स्मार्टफोन के अंदर। साथ ही में जो कंट्रोल सेंटर है उसके अंदर भी एक बहुत ही बड़ा मेजर चेंज है वो आने वाला है, और भी आपको काफी सारे अमेजिंग फीचर्स हैं वो देखने को मिलेंगे लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन के अंदर। तो इसी टाइप के अगर आपको फीचर्स के बारे में जानना है ना 7.0 अपडेट के अंदर आपको कौन कौन से फीचर्स मिलेंगे, तो कल की डेट के अंदर हमने एक वीडियो अपलोड करी है, आप लोग हमारी इस कंप्लीट वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पे वॉच कर लेना, सारे ही फीचर्स के बारे में आपको पता चल जाएगा जो कि आपको एंड्रॉइड 15 अपडेट के अंदर मिलने वाले हैं। बाकी इस अपडेट की रिगार्डिंग आपका जो भी डाउट है नीचे आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हो, और सैमसंग का टेलीग्राम चैनल है उसको यहाँ पर जरूर से ज्वाइन कर लेना। बाकी आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना, जैसे अपडेट आएगा वीडियो आपको सबसे पहले यहीं पे देखने को मिल जाएगी। और गाइस मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।